Good morning students, welcome to the class. Today we are going to sum up our poem that we have read yesterday. As we have done the hard words, words meaning, and we have read the poem also, and today we are going to do the summary of this poem. The name of the poem is The Raindrops. What is the name? The Raindrops. And you will feel happy just listening by this word. And the same, nowadays it's raining a lot as the monsoon season is going on. Monsoon season means rainy season. And this poem is related to you only, because here is also a child. He can't go outside from his house because it's raining. So he is standing on the window pane and he is talking and sharing his feeling with the rain. Yes, यहाँ पे जो ये boy है, बारिश हो रही है, इसलिए ये boy घर से बाहर नहीं जा सकता है. और ये घर पर ही विंडो पेन, जो विंडो है उसका जो ग्लास है उसको टच कर रही है. बाहर जो बारिश हो रही है, the rain is coming. He is just talking. ये उससे बातें कर रहा है और उससे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है. ओके, इट्स सेम लाइक यू. आजकल आप भी घर से बाहर नहीं जाते हैं और जो रेनी सीजन है वो सभी को अच्छा लगता है. बिकॉज द रेनी सीजन इज द टाइम फॉर कलर. एवरीवेयर वी कैन सी ग्रीनरी एंड द वेदर इज ऑल्सो सो कूल एंड द अर्थ इज वेट. सो इन दिस पोम व्हाट वी हैव रेड, द स्पीकर वॉन्ट टू से, हु इज द स्पीकर हियर? हियर द स्पीकर इज अ यंग चाइल्ड. यहाँ बोल कौन रहा है? ये छोटा सा बॉय या छोटा बच्चा. एंड व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग दैट हिज पेरेंट्स हैज टेकन हिज ऑल द टॉयज एंड लॉक देम. ये बता रहा है कि इसके पेरेंट्स ने इसके सारे टॉयज उनको लॉक कर दिया है. व्हाई? बिकॉज ही ब्रेक देम. ये हमेशा टॉयज को तोड़ देता है, इसलिए इसके पेरेंट्स ने इसके सारे टॉयज ले लिए हैं एंड लॉक देम. So he is feeling so bored and he is trying to play with the rain and he is sharing his feeling with the rain. And he is saying to the rain that I want to play with you. You also like to play with the rain? Kis kis ko rain mein khelna pasand hai? Everyone? Very good. Okay. And who has just taken the bath in the rain? Kis kis ko barish mein nahana bhi pasand hai? सभी को पसंद है. वाओ, वेरी गुड. ओके, द सेम इन दिस फॉर्म आल्सो दिस बॉय इज शेयरिंग हिज फीलिंग एंड ही इज सेइंग टू द रेन दैट माय पेरेंट्स से दैट आई एम अ नॉटी बॉय. एंड ही इज आस्किंग टू द रेन दैट एम आई रियली अ नॉटी बॉय? आई एम जस्ट प्लेइंग विद द टॉयज. आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन द टॉयज एंड लॉक्ड देम. अंडरस्टैंड? So once we will just recite a poem. Okay, what the boy is saying here? Oh, where do you come from? You little drops of rain. He is asking to the raindrops, from where do you come from? Raindrops, from where do you come from? तुम कहाँ से आए हो? किससे पूछ रहे हो? To the little drops of rain. Pitter patter pitter patter down the window pane. क्योंकि जब रेनफॉल होता है तो जब वो विंडो पेन पे बारिश की बूंदें गिरती है तो एक वॉइस आती है. उस वॉइस को क्या बोला इसने? पीटर पैटर. ही इज आस्किंग टू द रेन, यू आर मेकिंग अ नॉइज हियर ऑफ द पीटर पैटर, जस्ट टेल मी फ्रॉम वेयर यू हैव कम. यू लिटिल रेन ड्रॉप्स, फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम? ही इज टॉकिंग विद द रेन ड्रॉप्स. सेकंड स्टैंजा, दे वोंट लेट मी वॉक. They won't let me play and they won't let me go out of the doors all today. He is complaining for his parents. वो अपने parents की complaint कर रहा है. किससे? To the rain. कि वो मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, वो मुझे playing भी करने नहीं दे रहे हैं और मुझे खेलने भी नहीं दे रहे हैं और मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं. आउट ऑफ द डोर्स ऑल टुडे. आज मैं पूरे दिन से घर के अंदर ही बंद हूँ. दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रॉट देम ऑल.
मेरे पेरेंट्स ने मेरे से सारे टॉयज ले लिए हैं और उन सबको क्या कर दिया है, उन सबको लॉक करके रख दिया है, मींस उन सबको अलमीरा में लॉक कर दिया है। दे हैव टेकन माय ब्रिक्स, ब्रिक्स इज अ टाइप ऑफ टॉय, वेयर लॉट ऑफ ब्लॉक्स आर देयर, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, हम उन ब्लॉक्स को क्या करते हैं, आपस में अटैच करके कोई कभी हम बिल्डिंग बना लेते हैं तो कभी हम कार बना देते हैं। दे हैव टेकन माय ब्रिक्स, व्हाट ही सेइंग दैट द पेरेंट्स हैव टेकन हिज ब्रिक्स एंड इवन दे हैव टेकन माय बॉल, उन्होंने तो मेरी बॉल भी ले ली है, किन्होंने ले ली है, ही इज टेकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स। दे से आई एम वेरी नॉटी एंड आई हैव नथिंग एल्स टू डू बट सिट हियर एट द विंडो, आई शुड लाइक टू प्ले विद यू, ही इज टेलिंग टू द रे दैट माय पेरेंट्स से दैट आई एम वेरी नॉटी, वो रेनबो क्या बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं मुझे कि मैं बहुत नॉटी हूँ, नॉटी मीन शरारती, एंड आई जस्ट डू वन थिंग, और मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, कौन सा काम, टू ब्रेक द टॉयज, सो आई एम सिटिंग हियर, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जस्ट रेन जस्ट प्ले विद मी, कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें तुम मेरे साथ खेलो, अंडरस्टैंड द पोएम। In this poem, the boy is sharing his feeling with the little rain drops. Okay, students? He is just telling that his parents has taken away his all toys because he is a naughty boy. He broke them and the parents have locked all the toys. And so he is feeling so bored. So he is standing on the window pane and talking to the rain drops and asking to the rain drops, will they play with him? Understandable? This was the summary.